तो अच्छा ये अरविंद कर जी, विरेन जी, जी अगर मान लीजिए कि ब्रिटिश संसद से या ब्रिटेन से कोई भारत सरकार पर दबाव आया कि भाई हमारी रानी का की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, ऐसे एलिमेंट को जी आप पकड़ के गिरफ्तार कीजिए, तो ये तो कूटनीतिक या दो देशों के बीच के आपसी संबंध अगर एक रानी की प्रतिमा पर असर डालने लगे तो भारत सरकार तो कह ही सकती है कि भाई आप ऐसा खुराफात ना करो। क्या आप इसे खुराफात मानते हैं, क्या मानते हैं आप? अरविंद भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं बिल्कुल आपसे जुड़ चुका हूँ। जी, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। सुना तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया गेट पे, लाल के इंडिया गेट पर एक मूछ खाली छतरी थी पहले, जिसपे आज नेताजी की मूर्ति रख दी गई है। उसके थोड़ा सा इतिहास से मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बार लोहिया जी ने वहां पर पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। उसके बाद उस मूर्ति को हटाकर कॉरोनेशन पार्क में लगा दिया गया। तो जहां विदेश नीति की बात कर रहे हैं, तो ये उस छतरी पर मूर्ति रखने का जो विषय था वो पार्लियामेंट में पारित हुआ था और लोहिया जी ने उस पर प्रहार किया था। तो ये सवाल तो, और उसी बाद में उस पार्टी के अनुयायी जी, मुलायम सिंह जी, विक्टोरिया की बग्घी मंगाते हैं अपने जन्मदिन पर यात्रा के लिए। तो राजनीतिक के ना तो किसी संबंध है, अपनी आवश्यकताएं हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जहां आवश्यकता है वो लोहिया जी विरोध करते हैं उस मूर्ति का, और उसी विक्टोरिया की बग्घी में मुलायम सिंह जी अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई इन्हें संबंध किससे रखने के हैं, इन्हें अपनी आवश्यकताएं देखनी है। और देश किसी देश के संबंधों से नहीं चलेगा, देश की अपनी आवश्यकताएं हैं, देश का अपना एक विचार है और एक मंथन है और एक अपनी सोच के साथ चलेगा। अब हमारी सोच गांधी से के आधार पर चलेगी, भगत सिंह के आधार पर चलेगी, नेता सुभाष चंद्र बोस के आधार पर चलेगी, ये लोहिया जी के आधार पर चलेगी, या पाश्चात्य के जो नायक हैं या महाराजा उनके आधार पर चलेगी, ये हमारे देश को तय करने की आवश्यकता है। और वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर हमने इस मूर्ति का जो विरोध किया था, और वो निरंतर विरोध हम आज भी करते हैं। और उसके बाद में इंडिया नेताजी की मूर्ति लगने से पहले इस इंडिया गेट की मूर्ति के ऊपर, जो छतरी के नीचे, हमने 3 बार मूर्ति रखने का प्रयास किया और 3ों बार हमें तिलमार थाने के अंदर बंद कर रात को छोड़ दिया गया। अब हमने मूर्ति अरविंद रखी जी, तो हमने, मैं उनकी तरफ से सवाल कर रहा हूँ, जी मैं उनकी तरफ से सवाल कर रहा हूँ कि अगर जी कोई ऐतिहासिक मूर्ति वहां पर रखी हुई है विक्टोरिया, देखिए, तो क्या गुरेज है आप? हाँ मैं बताता हूं। इतिहास के अगर दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो कभी ना कलंकों को माथे पे लगा के नहीं चला जाता, गौरव को लगा के चला जाता है। तो ऐसी जैसे आज मुगलों का जो वो था, इसका इतिहास वर्तमान में बदलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वो एक कलंकित इतिहास था हमारे पर, जिसको किताबों से हटा दिया गया। तो ऐसी प्रतिमाओं को सार्वजनिक सजा नहीं सजाया जाता, कहीं पुस्तकालयों में, कहीं एकांत में रखा जाता है कि जो इतिहासकार सिर्फ वही जाकर इनका अध्ययन करें, सार्वजनिक लोग इनका अध्ययन ना करें ना देखें। तो ये कलंक है राष्ट्र के ऊपर, इनके राष्ट्र कलंक है, इन्हें इन्हें सार्वजनिक स्थान से हटा देना चाहिए, इन्हें इतिहास की तरफ रखा जाए।